हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुकंदर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चुकंदर हमारे शरीर में हो रहे खून की कमी को भी बढ़ाता है और यह बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। चलिए फिर चुकंदर से हम कुछ ऐसा बनाते हैं ताकि यह और भी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो। चलिए, इसके लिए मैंने यहाँ दो चुकंदर लिए हैं और जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम कुछ चुकंदर को छील लेंगे और एक कटर की सहायता से इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। हमने चुकंदर का कद्दूकस कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई के अंदर पानी को गर्म करेंगे और चुकंदर को हम उसके अंदर रख देंगे कटोरी के साथ में, और इसे हम हल्का सा सॉफ्ट होने के लिए ढककर हम इसे पका लेंगे। और चलिए हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, हमारा चुकंदर ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और एक फोक की सहायता से ये देखिए, मैं इस तरीके से मैं चेक कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। हल्का सा इसमें कच्चापन रहना चाहिए। अगर टाइमिंग की बात करें तो इसमें हमें 3 से 4 मिनट लगता है, जिसमें हमारा चुकंदर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। और ये देखिए, चलिए इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं निकाल कर। और ये देखिए, चुकंदर हमारा बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम एक बॉल में दही लेंगे और देखिए दही मैंने ले लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चुकंदर, जिसे हमने बॉईल करके हल्का सा स्टीम करके रख रखा है। इसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सभी चुकंदर को दही के अंदर ऐड करते हुए हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम लेंगे 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर, 1 चम्मच लेंगे हम जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं ताकि अच्छे से यह मिक्स हो जाए। चलिए अब हम इसके अंदर लगा लेते हैं तड़का। तड़का लगाने के लिए हमने लिया है तड़का पैन। तड़का पैन को सबसे पहले हम गर्म कर लेते हैं और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। ऑयल हमने डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे राई, कड़ी पत्ता डालेंगे और हरी मिर्च। इन तीनों चीज़ों को डालकर हम अच्छे से इन्हें भून लेते हैं। और जैसे ही यह भून जाए, चुकंदर और दही के अंदर तड़का लगा लेंगे। इसे आप रायता कहिए या फिर नाश्ता भी कह सकते हैं। हल्के भूख के लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट नाश्ता है यह नाश्ता। हम छोटे मोटे भूख के लिए हम आसानी से बनाकर हम खा सकते हैं। तड़का हमारा तैयार हो गया है। चलिए अब हम रायते के अंदर तड़का लगा लेते हैं। और ये देखिए, चलिए अब हम इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू।